नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग परेशान हैं वार्ड को चेंज करवाने के लिए, किसी का वार्ड 2 है, वो रहता वार्ड 3 में है, तो उसको जब वो फॉर्म भरने जा रहा है लाडली बहना योजना का, कोई भी बहन जो लाडली बहना का फॉर्म भरने जा रही है अपनी आंगनबाड़ी में, और उनको ऐसा कह दिया जा रहा है कि भाई आपका जो वार्ड है वो तो वार्ड नंबर 3 है और आपकी समग्र आईडी पे वार्ड नंबर 2 लिखा है, इसको सही करवाइए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ को सही कर सकते हैं और वो क्या-क्या चीज़ें हैं और वो क्या-क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है आपकी समग्र पोर्टल पर। समग्र पोर्टल मैंने आपको पहले भी कई बार चलाना सिखाया है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पर जाके लिखना है समग्र। गूगल पर जाके आप जैसे ही समग्र लिखेंगे, समग्र लिखते ही आपके सामने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन लिखा आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे यहाँ से हटा देना है और यहाँ परिवार आईडी पे क्लिक करना है। आपको परिवार आईडी जो कि 8 अंकों की होती है, आपके समग्र जो भी आपका समग्र आईडी है उसके ऊपर आपका परिवार आईडी भी लिखा होता है, तो आप उसको भर दीजिए। मैं अपना परिवार आईडी जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे तो मैं अपना कैप्चा कोड यहाँ पर भर लेता हूँ और समग्र कार्ड प्रिंट करें पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान निवास में आप देख पा रहे हैं कि जो वर्तमान निवास है मेरा वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि 85 बैरागढ़ कला, वार्ड नंबर 3। अब मान लीजिए मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी समग्र आईडी में तो वार्ड नंबर 3 लिखा है और मुझे इसको वार्ड नंबर 4 करवाना है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 3 करवाना है, और उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो भी आपके संबंधित वार्ड प्रभारी हैं, जहाँ भी आपका वार्ड लगता है, आपको वार्ड ऑफिस जाना है और वार्ड ऑफिस जाते वक्त आपको अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड अपने साथ रख के ले जाना है, और आपके वार्ड प्रभारी को आपको ये कहना है कि इसको आप मेरा जो भी संबंधित वार्ड है, जैसे कि आपका मान लीजिए वार्ड नंबर 4 है, तो आप उन्हें कह दीजिए कि आप मैं वार्ड नंबर 4 में रहती हूँ, तो मेरा आप वार्ड नंबर 4 कर दीजिए। तो वो आपकी समग्र आईडी में आपका जो वर्तमान निवास है उसको संबंधित वार्ड वो चढ़ा देंगे और आपका फॉर्म बड़ी ही आसानी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर देंगी। एक समस्या बहनों के साथ ये भी आ रही है कि उनको कई लोग कह दे रहे हैं कि भाई आपकी जो समग्र आईडी है उसमें आप विवाहित नहीं दिखा रहे हो, अविवाहित दिखा रहे हो। अविवाहित, विवाहित मतलब आप शादीशुदा नहीं दिखा रहा है जबकि आपकी शादी हो चुकी है, पर समग्र पोर्टल में वो अभी भी आपको अविवाहित दिखा रहा है, मतलब शादीशुदा नहीं दिखा रहा है। तो ये भी जो चीज़ है ये आपके वार्ड प्रभारी ही सही करेंगे, वो समग्र पोर्टल पर जाके आपको विवाहित चढ़ा देंगे और आपका फॉर्म बड़ी ही आसानी से भरा जाएगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, और आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने लाडली बहना के फॉर्म को बड़ी ही आसानी से भरवा सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। तो इसी तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।